निशिकांत दुबे जी, सभापति महोदया, बहुत कम ऐसा मौका मिलता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट एक सुर में बोलता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और आज वो मौका है। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि कोई रेप की बात हो, बच्चों की बात हो, महिलाओं की बात हो, पुरुष किसी बिल पर बोलें, इस तरह के बिल पर बोलें, ये भी बहुत रेयर मौका होता है। बहुत खुशी की बात है, महिलाओं के विषय समाज के विषय है, पुरुषों के नहीं है ना, महिलाओं के। मैं वही कह रहा हूँ, बच्चों का भी, बच्चों के बारे में भी महिलाएं थोड़ी ज़्यादा आग्रही होती हैं कि बच्चों के बारे में जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होकर बात कर सकती है। मैं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और इस बिल को लाने वाली मंत्री स्मृति ईरानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने सेंसिटिव इशू के बिल को पार्लियामेंट में लाया, राज्यसभा से पास कराया, और अब जिस तरह का माहौल है कि मुझे लगता है कि लोकसभा भी इसको पास कर देगी, इसके लिए मैं अपनी सरकार का और ख़ासकर मंत्री स्मृति ईरानी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने सेंसिटिव इशू को जो है छी। ये विषय किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, न धर्म से जुड़ा हुआ है। कई एक जगह मैंने देखा कि वक्ता बोलते हुए मदरसे की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, गुरुद्वारे की बात करेंगे, चर्च की बात करेंगे, सभी जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है, यदि हम इस बिल के बारे में बेसिकली बात करने आएंगे तो कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि इससे अछूता है। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल हों, ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज हों, शहरी क्षेत्र के स्कूल हों, शहरी क्षेत्र के कॉलेज हों, अमीर हो गरीब हो, कोई भी, बैकवर्ड हो फॉरवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो शेड्यूल ट्राइब हो, कोई ऐसा समाज नहीं है, माइनॉरिटी हो, जो कि इससे कहीं ना कहीं नहीं गुजरा है। लेकिन हाल फिलहाल में जो चीज़ें बड़ी आश्चर्यजनक तौर पर इस देश में आगे बढ़ी हैं वो ये बढ़ी हैं कि समाज में कुछ मोमबत्ती जलाने वाले जो है लोग आगे आ गए हैं। इतने सेंसिटिव चीज़ों को भी किस तरह से हाईलाइट करना है, जैसे कई एक वक्ता ने कहा कि मीडिया का क्या रोल है, मीडिया किस तरह से जाती है, मीडिया किस तरह से आपके प्राइवेसी को तोड़ती है, और मैं इस बिल को ये मानता हूँ कि तुम छोड़ दो रस्म मोमबत्तियां जलाने को, तुम छोड़ दो रस्म मोमबत्तियां जलाने को, अब बारी है दरिंदे को जलाने को। जो भी है, नेल्सन मंडेला ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कोई भी देश अच्छा है बुरा है उसकी आत्मा क्या है, वो आत्मा उसके बच्चों में बसती है। हम बच्चों को किस तरह से केयर करते हैं, और जिस देश में, जैसे अमेरिका जैसा देश है, अमेरिका जैसे देश में चाइल्ड प्रोटेक्शन का कितना बड़ा लॉ होगा कि यदि उसको डांट दीजिए, उसको थप्पड़ मार दीजिए, इवन माँ बाप भी यदि मार दें, तो आप समझें कि तुरंत पुलिस आ जाती है, और पुलिस आने के बाद जो चीज़ें होती है, मैं जोर से मतलब इस तरह का चाइल्ड प्रोटेक्शन है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो समाज है वो अलग प्रकार से है, मैं किसी देश से तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वर्षों से हम इन चीजों से जूझते रहे हैं। यदि संजय चोपड़ा, गीता चोपड़ा के केस से लेकर यदि सारे केसेस की चर्चा करना चाहें तो समय समय पर, कोई भी समय हो, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। और इस कारण से जो ये दो सेक्शन है, सेक्शन 6 जिसमें कि प्रिंसिपल एक्ट में अमेंडमेंट है डेथ पेनल्टी का, इसमें कई चर्चाएं चल रही है, और मुझे आश्चर्य होता है कि डेथ पेनल्टी क्यों नहीं हो, क्योंकि इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन में मच्छी सिंह का एक बड़ा जिक्र जो है माननीय मंत्री जी ने ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन में किया है, और
1973 का जो है वो जजमेंट उन्होंने कोट किया है, एक जजमेंट उन्होंने 1983 का कोट किया है कि इससे ज्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्या क्राइम हो सकता है। बच्चे, एक ऐसे बच्चे जिनको कि कोई भी दुनियादारी के बारे में पता नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं, हम लोग जिस तरह से ज्वाइंट फैमिली कॉन्सेप्ट में चलते हैं, आज भी कई एक ऐसा परिवार है कि कौन किसका माँ है, कौन किसका पिताजी है, दादा को भी कई एक लोग बाबा ही कहते हैं, पापा ही कहते हैं, दादी को भी अपनी माँ ही कहते हैं। इवन कई एक दादियां जो है वो माँ कहलाना ही पसंद करती हैं, यदि उनको दादी कह दीजिए तो उनको वो बुरा लगता है। उस तरह के कॉन्सेप्ट में यदि बच्चों के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, मान लीजिए कई एक लोगों ने कहा कि उनके करीब के रिश्तेदार ही करते हों या परिचित करते हों या बाहर के लोग करते हों, तो क्यों नहीं डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है कि उसने इतना विल पावर दिखाया कि उसने जो है डेथ पेनल्टी लाया। दूसरा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी जिस सेक्शन को लेकर है वो सेक्शन है सेक्शन 9 में, जो प्रिंसिपल एक्ट में क्लॉज 5 है, जो आपने ये किया है कि whoever persuades, induces, entices or coerces to child to get administrator or direct anyone to administrator help in getting administered any drug or hormone or any chemical substance to child with the intent with such child attains early sexual maturity। इसके बारे में दुनिया में रोज अखबारों में, आप अखबार की सुर्खियां निकालें, आपको रोज अखबारों में इसी तरह की घटनाएं लगेंगी। कई एक जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ये बहुत बड़ा पार्ट है। दो चीजें हैं, हम सभी यहां बैठे हैं, किसी के बेटे होंगे, किसी के पोते होंगे, किसी की बेटियां होंगी। आज क्या माहौल है? आज माहौल ये है कि हम, मान लीजिए यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां बैठे हैं, हमारे बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं अब हमको नहीं पता है। वो सिगरेट पी रहे हैं, वो ड्रग्स ले रहे हैं, या किस तरह का केमिकल यूज कर रहे हैं, किस तरह के पार्टियों में जा रहे हैं, और इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं नजर आ रही। एक ये भी है मेरा सजेशन, दूसरा ये है कि इस तरह की एक्टिविटी को भी यदि जोड़ देते। दूसरा, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग हैं वो खासकर लड़कियों के लिए इस तरह के केमिकल और हार्मोन का उपयोग करते हैं वो, कि जल्दी से जल्दी लड़कियां मैच्योर कैसे हो जाए, और किसी ने आज तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और मैं माननीय मोदी जी का और मैं पूरी सरकार का, और मैं फिर कहूंगा स्मृति ईरानी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बड़ी घटना है, क्योंकि दूसरे कंट्री में, जैसे सिंगापुर जैसा कंट्री बगल में है, मैं आपको बताऊं कि स्कूल में बच्चे कितने सेफ हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि वो ड्रग्स लेगा, यदि वो ड्रग्स लेगा बचपन में, तो उसको फांसी की सजा होगी, चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो। यदि वो अल्कोहल लेगा तो प्रत्येक स्कूल में रैंडम बाल की चेकिंग होती है, और यदि 72 घंटा पहले भी यदि उसने बियर भी पिया है तो मैं आपको बताऊं कि उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह इस तरह के लॉ है, हमने इस तरह के लॉ यदि नहीं बनाए हैं तो कम से कम इसको रोकने के लिए जो सरकार ये कदम लेकर आई है हम उसका स्वागत करते हैं। दूसरा सवाल सेक्शन 35(2) का है, सेक्शन 35(2) कोर्ट का है। अभी फिर मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में इतने वर्षों से इतने केस लंबित थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। अभी 10% आप लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की भी संख्या बढ़ाई है। यह जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में भी जो है चर्चा चल रही थी, और उसमें कोर्ट की बात हो रही थी कि हम एक्ट तो बना देते हैं और एक्ट में हम समय भी तय कर देते हैं, आपने इस एक्ट में समय भी तय कर दिया, लेकिन वो पालन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है, जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में हमने कहा कि 180 दिन में रिजोल्यूशन प्रोसेस होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हम उसको 270 दिन में पूरा कर दें। आज भी कई एक केसेस हैं जो 600 दिन चल रहे हैं, 600 दिन से ऊपर चल रहे हैं, और अभी एक अमेंडमेंट लेकर जो है सरकार को आना पड़ा। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना देंगे, लेकिन जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए इस पार्लियामेंट के पास क्या अधिकार है? और आज दूसरा विषय है जहां कई एक लोग यहां संयोग से अधीर चौधरी साहब और कल्याण बनर्जी साहब भी आ गए हैं कि जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए हम क्यों नहीं एक्टिव होते हैं, क्यों नहीं खड़े होते हैं। इसी पार्लियामेंट ने एनजेएसी बिल पास किया,
और कहा गया कि कोई ना कोई एक मैकेनिज्म जो है अकाउंटेबिलिटी चीजों की होनी चाहिए, और उसके लिए पूरी पार्लियामेंट अंडर 368 यूनेनिमस थी, लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया। एक केवल मिस्टर ओबेसी जो है वो खिलाफ रहते हैं, वो तो परमानेंट जो है हम लोगों के खिलाफ वोट करते रहते हैं, तो हमारी अच्छी बातें भी उनको बुरी लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसा बिल होगा जिसमें कि ओबेसी साहब जो है हमसे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर जो है समर्थन करेंगे, क्योंकि सवाल बच्चों का है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जजों की अकाउंटेबिलिटी, ये पार्लियामेंट जो कानून पास करता है, यदि एक साल में इसकी सजा तय होनी है, क्योंकि मैं निर्भया केस में मैडम मैं देख रहा हूं कोई रिवीजन पिटीशन, कोई मर्सी पिटीशन, कोई कोएर्सी पिटीशन, कोई रिट पिटीशन, इस तरह के पिटीशन में किस तरह का निर्भया केस इसी पार्लियामेंट ने, मैं फिर पार्लियामेंट को दाद देना चाहता हूं कि इस तरह की घटना हुई और निर्भया केस में पूरा देश इकट्ठा हो गया, और इतना ही नहीं इकट्ठा हुआ, हम सभी ने एक स्पेशल सेशन बनाया, एक कमेटी बनाई जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में, और हमने कहा कि इस तरह के स्ट्रिंजेंट लॉ जो है हम बना देंगे, लेकिन क्या हुआ आप ये समझिए कि कितना डिले हुआ उसके जस्टिस के लिए, किस कारण से जस्टिस डिलेड हुआ। तो आप जो ये कानून 35(2) में आप बना रही हैं और इसमें जो अमेंडमेंट लेकर आ रही हैं, तो मेरा आपसे एक आग्रह होगा कि आप इस तरह का जो है इनिशिएटिव लीजिए। इसके बाद जो दो तीन चीजें हैं कि अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को इसी पार्लियामेंट में कहा, 26 नवंबर 1949 को इंप्लीमेंट हो रहा था संविधान और उनका अंतिम भाषण था, उन्होंने कहा था कि हम खूब कानून बना देते हैं, कानून बन भी जाते हैं, कानून इंप्लीमेंट भी हो जाते हैं, लेकिन वो कानून कितना सक्सेसफुल होता है, वो क्यों नहीं सक्सेसफुल होता है और क्यों नहीं सक्सेसफुल होगा। उस दिन उन्होंने कहा था कि जब तक कि समाज में अवेयरनेस नहीं आएगा, समाज में मानसिकता में अवेयरनेस नहीं आएगा, कैसे होगा, एक मूवमेंट की आवश्यकता है कि नहीं है। आप यह समझिए, उसने खराब कपड़ा पहना होगा, उसने जींस पहन लिया होगा, उसने पैंट पहन लिया होगा, हाफ पैंट, अरे मां बाप है, कोई कपड़ा पहना है यार, क्या दिक्कत है तुम, मां बाप उसके गार्जियन है ना, बच्चे हाफ पैंट में है कि फुल पैंट में है कि नहीं कपड़े के हैं, हाँ कपड़े के हैं, किस तरह की मानसिकता से हम जीते हैं। तो समाज की जब तक यह मानसिकता चेंज नहीं होगी, ये कोई भी कानून बहुत सक्सेसफुल नहीं होगा। कई एक वक्ताओं ने कहा कि ये केस बढ़ गया, वो केस बढ़ गया, हम कहते हैं कि बढ़ सकता है, लेकिन समाज में अपने को अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है, एक कैंपेन करने की आवश्यकता है, और वो कैंपेन ऐसे हो कि बच्चों को, सभी के बच्चे एक ही प्रकार के हैं, सभी के बच्चों को जो है इस देश में अच्छा नागरिक बनना है, बच्चे अच्छे होंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनकी स्वस्थ मानसिकता होगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। इसीलिए इस पार्लियामेंट से आग्रह है कि इस बिल को पास करें, और मेरा एक छोटा सा सजेशन होगा संशोधन के लिए मैडम की, मुझे लगता है कि निर्भया कांड, ये फंड की बात हुई है, सेक्शन 4 जो है इसका, मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है जिन्होंने ड्राफ्ट किया है, कि इसमें ये जो अमेंडमेंट इन सेक्शन 4, उसमें जो प्रिंसिपल एक्ट 3 है, सेक्शन 1 और 2, यदि उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, आज नहीं कल मुझे लगता है कि आपको ये चेंज करके लाना ही पड़ेगा, यदि वो चेंज हो जाता तो मुझे लगता है कि इस बिल का, क्योंकि पैसा किसको देना है, विक्टिम को कितना पैसा देना, और अपने पास निर्भया फंड का बहुत पैसा पड़ा हुआ है जो कि अनयूटिलाइज्ड है, तो मुझे लगता है कि ये बिल सार्थक होगा। मैं बिल का समर्थन करता हूँ और मैं फिर से बधाई देता हूँ प्रधानमंत्री जी को और मंत्री जी को इतने अच्छे बिल लाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।